हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज सूरज। हम लोगों ने MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे थे। डेमोक्रेसी पे हमारा लेक्चर आ चुका है, फर्स्ट पार्ट। आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट कर लें। उसमें हम लोगों ने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा, फ्रांस के बारे में पढ़ा, यूनाइटेड स्टेट के बारे में पढ़ा, किस तरह ग्रेजुअल डेमोक्रेसी हमारा इस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में पढ़ा। तो आज जो यूनिट 2 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 होगा, उसमें हम लोग कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे, रूसो के बारे में पढ़ेंगे, जो थोड़ा बहुत टच करेंगे डेमोक्रेसी को उन थिंकर्स के थ्रू, और समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व हुआ हमारे मॉडर्न एरा में। ठीक है, यानी अब मॉडर्न एरा में डेमोक्रेसी कैसे वर्क कर रहा है, यानी इवॉल्यूशन कैसे हुआ, इन थिंकर्स के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट है जॉन लॉक सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो एक बुक है जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई, जिसमें जो नाम है सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 1681 में आई। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी स्टेट का फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरह इस्टेब्लिश हुआ। तो ये एक बुक सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो एक बुक इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है जॉन लॉक के द्वारा, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ये आपको नेट और GRF में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जॉन लॉक के द्वारा कौन सी बुक थी जो क्लासिकल लिबरल आइडियाज़ पे लिखी गई थी, तो वो थी सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो आप लोग याद रख सकते हो इसको, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बुक फॉर क्लासिकल लिबरल आइडियाज़। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बुक जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया जो क्लासिकल लिबरल आइडियाज़ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था या इम्पॉर्टेंट था, तो सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट आप कह सकते हो, यानी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो क्लासिकल लिबरल आइडियाज पे जॉन लॉक की बुक सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लॉक प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेट गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर, मतलब इस बुक में एक हाइपोथेटिकल स्टेट के बारे में बात किया गया है। कह सकते हो कि एक वर्चुअल स्टेट जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उस स्टेट के बारे में बात किया है जो गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर, यानी लॉ ऑफ नेचर के द्वारा गवर्न किया गया था, यानी नेचुरल लॉ वहाँ प्रिवेल करता था। ठीक है, इन विच नो इंडिविजुअल ऑट टू हार्म अनदर लाइफ हेल्थ इन टर्म्स ऑफ वर्चू ऑफ एक्सलेंस, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि हर इंडिविजुअल जो था पीसफुल नेचर में रह रहे थे। ठीक है, पॉपुलेशन कम था तो हर कोई पीसफुल वे में रह रहे थे, एक छोटा सोसाइटी था, आप कह सकते हो कि छोटे बहुत छोटा मास था, तो पीसफुल वे में रह रहे थे, हर कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकता था, चाहे हेल्थ पे या लाइफ पे कोई भी हार्म नहीं कर सकता था अपने एक्सलेंस के लिए, यानी अपने सक्सेस के लिए किसी को हार्म करना वहाँ अलाउड नहीं था लॉ ऑफ नेचर में। ठीक है, ऑल आर इक्वली क्रिएटेड ऑफ क्रिएटर्स ऑफ गॉड, मतलब गॉड के द्वारा हर कोई बनाया गया था, इक्वली क्रिएटेड क्रिएटर्स ऑफ गॉड, यानी हर गॉड के द्वारा हर कोई इक्वली बनाया गया था। ठीक है, गॉड गेव इक्वल राइट टू फ्रीडम, मतलब गॉड के द्वारा बनाया गया और इक्वल राइट टू फ्रीडम दिया गया ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर इज गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो आप कह सकते हो कि वो हाइपोथेटिकल स्टेट में क्या था, स्टेट ऑफ नेचर, जो लॉ ऑफ नेचर वहाँ प्रिवेल होता था, यानी नेचुरल लॉ प्रिवेल होता था, जिसमें देर इज नो एजेंसीज टू एडमिनिस्टर एंड इन्फोर्स द लॉ, मतलब स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि कोई एजेंसी ही नहीं थी या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था कि लॉ को इन्फोर्स किया जा सकता है या लॉ को, या फिर उसको लॉ को आप कह सकते हो कि फोर्सफुली पालन कराया जा सके, कोई ऐसा एजेंसीज नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। ठीक है, आगे है ड्यू टू राइज ऑफ पॉपुलेशन सम स्टार्टेड इन्वेडिंग इन अदर्स राइट, मतलब आप कह सकते हो कि जब पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो हुआ तो कुछ लोग अपने इसके लिए, एक्सलेंस के लिए या अपने फ्रीडम के लिए क्या किए कि दूसरों के राइट में इन्वेड करने लगे, यानी इन्वेजन करने लगे। ठीक है, आगे आता है कि टू प्रिवेंट इन्वेजन इन देयर राइट्स मैन क्रिएटेड लॉ, अगर कुछ लोग जो थे उपद्रवी, आप कह सकते हो कि कुछ लोग उपद्रवी हुए और उन्होंने क्या किया कि दूसरों के राइट्स में इन्वेजन शुरू किया, तो इन्वेजन के कारण क्या किए, मैन ने क्या किया कि कुछ राइट्स बनाए, यानी कुछ लॉ बनाए जो वो इन्वेजन को रोका जा सके। इन द स्टेट ऑफ नेचर कॉन्फ्लिक्ट वर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मतलब हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्टेट ऑफ नेचर में धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ने लगा, जब पॉपुलेशन बढ़ा तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने लगा, यानी राइट का जब हनन होने लगा तो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद क्या होता है कि एंड थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का होता है कि म्यूचुअली द लॉ एंड अथॉरिटी वेयर क्रिएटेड, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हर कोई मिलकर लॉ एंड अथॉरिटी को बनाए, यानी क्रिएट किए, लॉ एंड अथॉरिटी का क्रिएशन हुआ। उसके बाद लॉ वॉज क्रिएटेड स्टेट केम इन टू पिक्चर, यानी लॉ जब बना तो स्टेट आया पिक्चर में। ठीक है,
पॉलिटिकल सिस्टम आया, पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया, पॉलिटिकल सिस्टम वॉज क्रिएटेड। आगे है लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल वॉर प्रोटेक्टेड। मतलब जब आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल सिस्टम बना, स्टेट बना, लॉ बना, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि लाइफ प्रोटेक्ट हुआ, लिबर्टी इंडिविजुअल का प्रोटेक्ट किया गया, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। यानी इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कह सकते हो कि लॉ बनाया गया, यानी इन सब चीजों में इन्वेजन हो रहा था, ठीक है। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टेट का निर्माण किया, लॉ का निर्माण किया, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम का निर्माण किया। आगे है इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू डिस्चार्ज द प्रपोज फॉर विच पर्पस, सॉरी पर्पस फॉर विच इट वॉज क्रिएटेड, द पीपल हैज द राइट टू रेसिस्ट एंड रिप्लेस इट। मतलब हम लोग कहने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जब इन सब चीज़ों को, ये सारा जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया था, लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेट जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया था। जब ये सोशल सिस्टम, यानी ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का के थ्रू जब लॉ बनाया गया, यानी ये लॉ जब फेल हो जाता है, यानी गवर्नमेंट जब फेल होने लगता है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, तो क्या कर सकते थे कि पीपल जो रेसिस्ट कर सकते थे, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते थे, उसको चेंज भी कर सकते थे, ठीक है। ऐसा था लॉ ऑफ नेचर। आगे हमारा दीज स्टेटमेंट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, पॉपुलर सोवरेनिटी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट दैट प्रोवाइडेड द फाउंडेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जितने भी स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले देखे, ठीक है, वो एक कोर प्रिंसिपल जनरेट करता है क्लासिकल लिबरलिज्म पे, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पे बात कर रही है, पॉपुलर सोवरेनिटी पे बात करती है, लिमिटेड गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब कहा जा रहा है कि लिबर्टी को इंपॉर्टेंस दिया गया, इंडिविजुअल के लिबर्टी को इंपॉर्टेंस दिया गया, इंडिविजुअल के फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दिया गया, तो उसी तरह इंडिविजुअलिज्म हो गया, यानी इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दिया गया, पॉपुलर सोवरेनिटी, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की, गवर्नेंस के बारे में बात की गई, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को हमने राइट दिया कि आप हमें प्रोटेक्ट करो, अगर आप प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं हो तो हम लोग रेसिस्ट कर सकते हैं, यानी ह्यूमन बींग उस समय का रेसिस्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ नेचर में। तो एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, यानी आप उनसे अधिकार वो छीन सकते हो और किसी और को भी दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हो कि लिबरल डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिश हुआ, यानी डेमोक्रेसी इन द सेंस ऑफ स्टेट का निर्माण हुआ, गवर्नेंस का निर्माण हुआ और पॉलिटिकल सिस्टम का निर्माण हुआ, और किसके थ्रू हुआ, तो लिबर्टी के थ्रू हुआ, इंडिविजुअलिज्म के थ्रू हुआ, यानी इंडिविजुअल जो है इम्पॉर्टेंट थे, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कहा गया कि वो इंडिविजुअल था, यानी डेमोक्रेसी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि वहाँ एक इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस ज़्यादा था। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक लिबरल डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ। आगे है दिस प्रिंसिपल्स, यानी लॉ का प्रिंसिपल्स वेयर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोगों ने अमेरिका के बारे में पढ़ा था हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट वन में, तो ये जो प्रिंसिपल था, लॉ का प्रिंसिपल, बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल करता था वहाँ, यानी एक तरह से एडमायर किया गया अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के समय में, ठीक है। आगे है द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन 1789 रिफ्लेक्टेड द आइडियाज एंड स्पिरिट ऑफ जीन जैक्स रूसो। मतलब फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन जो था 1789 रिफ्लेक्टेड द आइडियाज एंड स्पिरिट ऑफ जीन जैक्स रूसो। मतलब रूसो के बारे में जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट था, यानी जब फ्रेंच का जब आज़ादी, यानी आप कह सकते हो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जो था, फ्रेंच रिवोल्यूशन में, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो रूसो का आइडियाज जो था वहाँ प्रिवेल करता था, यानी आप कह सकते हो कि अमेरिकन रिवोल्यूशन में, यानी अमेरिकन का जब राइट डिक्लेयर हुआ था इंडिपेंडेंस, तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जो आप कह सकते हो कि लॉ का आइडियाज प्रिवेल करता था, और फ्रेंच डिक्लेरेशन के टाइम, यानी फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट, यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम आप कह सकते हो रूसो का आइडिया ज़्यादा पॉपुलर था। तो आगे देखते हैं कि हम रूसो के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब रूसो के बारे में। फॉर रूसो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वॉज नॉट गुड इनफ। मतलब जो लॉ का जो आइडिया था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, जिसमें किसी को रिप्रेजेंट किया गया कि वो हमारे राइट का, लाइफ का, लिबर्टी का जो प्रोटेक्शन करे, वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का आइडियाज था लॉक का। लेकिन रूसो के अनुसार जो था ये रिप्रेजेंटेटिव आइडियाज जो है वो गुड एनफ नहीं है, मतलब अच्छा नहीं था। आगे है द फ्री गवर्नमेंट वॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच सिटीजन वुड पार्टिसिपेट डायरेक्टली। मतलब रूसो का कहना है कि जो फ्री गवर्नमेंट होता है जिसमें पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो,
वही एक तरह से हो सकता है कि वो फ्री गवर्नमेंट है, यानी एक तरह से अच्छा डेमोक्रेसी आप कह सकते हो कि जिसमें पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इंडिया के केस में लिया जाए तो 130 करोड़ की जनता, अब सबको आप पीएम तो नहीं बना सकते हो, सबको आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक तरह से आप उसको ये तो नहीं कर सकते, ढाल नहीं सकते हो कि हर कोई एक तरह से अपने अनुसार से रूल करे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि दिस आइडिया इज नोन एज पॉपुलर सॉवरेनिटी, मतलब जो रूसो का जो आइडियाज था, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अलावा जो आइडिया था जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे, तो वो एक तरह से कहा जा सकता है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात किया रूसो ने, ठीक है। बट इट इज पॉसिबल फॉर ओनली स्मॉल सिटी स्टेट, लार्ज मास कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मतलब अगर हम रूसो का आइडियाज को फॉलो करें तो ये एक तरह से छोटे स्टेट में पॉसिबल है कि हम इसको ये कर सकते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं छोटे स्टेट में, स्मॉल सिटी स्टेट में कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। लेकिन लार्ज मास जहां अब इंडिया की बात आ जाती है तो ये रूसो का आइडियाज वहां प्रिवेल नहीं हो सकता है। हर कोई को आप ये नहीं, मतलब गवर्नमेंट में शामिल नहीं कर सकते हो, यानी रूलिंग सिस्टम में एक तरह से आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में आप हर, मतलब हर सिटीजन को आप शामिल नहीं कर सकते हो। आगे है, After reading all this, we can say that liberty and democracy are both different things. मतलब अगर हम रूसो का आइडियाज और लॉक के आइडियाज को मिला के देखें तो लिबर्टी और डेमोक्रेसी दोनों एक तरह से अलग अलग चीज़ है। लिबर्टी इंडिविजुअल के बारे में बात करती है, इंडिविजुअल के फ्रीडम के बारे में बात करती है, इंडिविजुअल के प्रोस्पैरिटी के बारे में बात करती है। लेकिन डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस के बारे में बात करती है। आगे We can say that liberalism is a theory of state and democracy is a form of government. मतलब अगर हम liberalism के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मतलब liberalism और democracy के बारे में अगर compare करने की कोशिश करते हैं, तो liberalism जो है एक तरह से theory of state है जिसमें individual की बात करती है, state के nature के बारे में बात होती है। लेकिन democracy जो है एक तरह से form of government है जिसमें state कैसे function कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रहा है, उसमें गवर्नेंस कैसा है, गवर्निंग सिस्टम कैसा है, यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके बारे में बात होती है डेमोक्रेसी में। और लिबरलिज्म में एक थ्योरी है जो इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, प्रोस्पैरिटी इंडिविजुअल के प्रोस्पैरिटी के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के फ्रीडम के बारे में बात होती है लिबरलिज्म में। आगे है, ग्रेजुअली डेमोक्रेसी इंक्लूडेड मेनी थिंग्स ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, एग्जाम्पल द कंडीशन ऑफ वोमेन वेयर इंप्रूव्ड, डिस्क्रिमिनेशन वॉज रिड्यूस्ड। मतलब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर 20th सेंचुरी की में डेमोक्रेसी की बात करें, तो वोमेन का कंडीशन जो था कहीं ना कहीं 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी से कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया वोमेन का कंडीशन, और जो डिस्क्रिमिनेशन था वो रिड्यूस हुआ। मतलब 20th सेंचुरी में आप कह सकते हो कि वोमेन मेन में, यानी कास्ट, अब इंडिया के ही आप एग्जांपल ले सकते हो, कास्ट सिस्टम, ये सब जो है आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घटा है, यानी डिस्क्रिमिनेशन घटा है, इक्वलिटी जो था कहीं ना कहीं प्रिवेल हो रहा है, इक्वलिटी को कहीं ना कहीं अच्छा दर्जा दिया जाने लगा 20th सेंचुरी में। आगे है, वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इन 20th सेंचुरी वर मोर इंक्लूसिव, मतलब 20th सेंचुरी में जो था डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव था, बहुत चीज़ को इंक्लूड करता था, जैसे इक्वलिटी को, राइट को, फ्रीडम को, ह्यूमन राइट को आप कह सकते हो, फिर आप कह सकते हो इन्वायरमेंट को, बहुत चीज़ को इंक्लूड करने लगा, एक तरह से इंक्लूसिव, एक ब्रॉडर सेंस में हम लोग डेमोक्रेसी को देखने लगे 20th सेंचुरी में। आगे है, इट वॉज द वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी एक तरह से वेव के फॉर्म में डेवलप हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन जो है एक वेव के फॉर्म में डेवलप हुआ है, जैसे 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, एक तरह से वेव फॉर्म हुआ है डेमोक्रेसी का। जैसे आप ब्रिटेन का केस ले लो कि वोमेन को कब राइट मिला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कब वोट देने का अधिकार मिला वोमेन को, तो एक तरह से वेव के फॉर्म में डेमोक्रेसी डेवलप हुआ है, ठीक है। आगे है, द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द वेस्टर्न कंट्रीज इन द 19th सेंचुरी आर नोन एज द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब 19th सेंचुरी में जो डेमोक्रेटाइजेशन आया, डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस चला, उसको फर्स्ट वेव कहा जा सकता है, जैसे जिसमें आप कह सकते हो कि ब्रिटेन इंक्लूड था, फ्रांस इंक्लूड था, अमेरिका इंक्लूड था, जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस में कैसे डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ब्रिटेन में कैसे डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर हमारा यूएस में किस तरह से डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये 19th सेंचुरी का जो बात होता है, तो इसमें जो आप कह सकते हो कि 19th सेंचुरी तक जो डेमोक्रेसी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। आगे है, द सेकेंड वेव फॉलोड द वर्ल्ड वॉर वन,
मतलब अगर हम वर्ल्ड वॉर वन को मानते हैं तो ये सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है, यानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो जितना भी डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी किसी भी कंट्री ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया है तो वो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस में चला। आगे है द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन केम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी अगर बेस माना जाए तो आप कह सकते हो कि वहाँ के बाद जो था थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आया। इसमें क्या क्या था, द न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड इटली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म, मतलब डेमोक्रेसी जो था इस्टेब्लिश हुआ थर्ड वेव में कि इसमें जो था नाजिज्म और आप कह सकते हो कि फासिज्म को कोलैप्स किया गया, बहुत सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे जर्मनी में भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, इटली में भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ, तो ये सब जो नाजिज्म और फासिज्म जो था वो कोलैप्स हुआ धीरे धीरे थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा इन द थर्ड वेव द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन वॉज ऑल्सो वेरी मच पॉपुलर इन द इस्टेब्लिशिंग द डेमोक्रेसी इन थर्ड वेव कंट्रीज लाइक एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब आप कह सकते हो कि थर्ड वेव में आपको कॉलोनियल सिस्टम का भी अंत हुआ, जैसे बहुत सारे कॉलोनीज बन चुके थे एशिया में, जैसे इंडिया भी कॉलोनाइज था, इंडिया को फ्रीडम मिला, तो आप कह सकते हो कि ये थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में शामिल हुआ, यानी थर्ड वेव में हमारा कॉलोनीज खत्म हुए धीरे धीरे, जो कॉलोनीज बनाया गया था डेमोक्रेसी मिली, डेमोक्रेसी नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ, बहुत एशियन कंट्रीज में बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि ब्रिटिश का रूल था तो वो धीरे धीरे छोड़कर चले गए, तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी नए फॉर्म में इस्टेब्लिश हुआ थर्ड वेव में। आगे है द फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी विटनेस द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट ईस्टर्न यूरोप एंड एस्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी इन द लैटिन अमेरिका, मतलब फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी भी चला। इसमें क्या कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे जैसे यूएसएसआर हो गया, तो ये जो है एक तरह से ब्रेक हुआ, यूएसएसआर भी ब्रेक हुआ, सोवियत संघ जो था आपको ब्रेक होके बहुत सारे कंट्रीज में बने, तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज जो था धीरे धीरे वो भी ब्रेक हुआ और डेमोक्रेसी के फॉर्म में स्टैब्लिश हुआ। लेटिन अमेरिका में भी इसी तरह हुआ था कि कम्युनिस्ट कंट्री को ब्रेक हुआ और हमारा जो था वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा 2.3 द कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें ऑटोनॉमी पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे, लिबर्टी पढ़ेंगे और इक्वालिटी पढ़ेंगे, यानी इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है एक तरह से फैमिली, अगर डेमोक्रेसी को हम लोग फैमिली मानते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो उसमें ऑटोनॉमी इंक्लूड हो सकता है, राइट इंक्लूड हो सकता है, लिबर्टी इंक्लूड हो सकता है, इक्वालिटी इंक्लूड हो सकता है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी है वो ऑटोनॉमी भी है उसमें, राइट भी है, इक्वालिटी भी है, लिबर्टी भी है, फ्रीडम, बहुत कुछ इसमें इंक्लूड होता है। बेसिकली हम लोग ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, राइट के बारे में पढ़ेंगे, लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारा हिंदी में भी शुरू हो चुका है, मिस तनु राय जो है आपको MPS 001 जो है हिंदी में स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और इंटरनेशनल रिलेशन का भी आपको लेक्चर जो है, लेक्चर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि एक तरह से इंटरेक्शन बना रहे। जब तक इंटरेक्शन नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम क्या आ रही है वो पता नहीं चलेगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।